अक्षय कुमार की एक्टिंग को लेकर सलमान खान ने दिया था ऐसा बयान। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं एफ स्टार न्यूज़। वैसे तो पूरी बॉलीवुड इंडस्ट्री मिलजुल कर रहती है, लेकिन बता दूं कि बॉलीवुड में ऐसी कम ही दोस्ती देखने को मिलती है जो पर्दे के साथ साथ रियल हो, और इनमें से एक दोस्ती है अक्षय कुमार और सलमान खान की। बता दूं कि ये दोनों के बीच दोस्ती आज भी उतनी है जितनी हमें पर्दे पर देखने को मिलती है। जो अक्षय कुमार और सलमान खान ने साथ में बहुत ही फिल्में की है, और जिनमें मुझसे शादी करो की फिल्मों में दोनों की दोस्ती को लोगों ने बहुत पसंद भी किया था। और अक्षय कुमार की पिछली मूवी पैडमैन का प्रमोशन भी बिग बॉस में दोनों ने साथ मिलकर किया था। लेकिन जब सलमान खान को अक्षय कुमार के बारे में पूछा गया कि आप क्या कहेंगे अक्षय कुमार के बारे में, तो उन्होंने कहा कि बॉलीवुड में बहुत सारे हीरो हैं जो बहुत ही अच्छी एक्टिंग करते हैं, लेकिन अक्षय कुमार बॉलीवुड में एक ऐसा हीरो है जो हर दिन वो अपनी एक्टिंग सीखता ही रहता है और हमेशा ही उनकी एक्टिंग ग्रो होती रहती है। जय सलमान खान ने आगे भी कहा कि जब अक्षय कुमार एक्टिंग करते हैं तो उनकी हर नई फिल्मों में उनकी पिछली फिल्मों से ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस होता है, और वो आज भी उनकी एक्टिंग को ग्रो करते रहते हैं। और सलमान खान की बात भी सही है। तो फ्रेंड्स, सलमान खान ने अक्षय कुमार को लेकर ऐसा कहा था। तो फ्रेंड्स, साथ में बता दूं कि ये दोनों एक्टर एक बहुत अच्छे दोस्त के साथ साथ बहुत अच्छे एक्टर भी है। तो फ्रेंड्स, आप क्या कहेंगे अक्षय कुमार और सलमान खान को लेकर, वो हमें कमेंट करें। अक्षय कुमार की गोल्ड फिल्म पहले दिन मचाएगी धमाल। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं एफ स्टार न्यूज़। उन दिनों अक्षय कुमार उनकी अपकमिंग फिल्म गोल्ड को लेकर बहुत ही चर्चे में है, क्योंकि इस इंडिपेंडेंस डे पर बॉलीवुड की दो बड़ी फिल्में रिलीज होने वाली है। पहली है गोल्ड और दूसरी है सत्यमेव जयते। बता दूं कि दोनों फिल्मों के ट्रेलर को और गाने को बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स मिला है। लेकिन बात करें गोल्ड फिल्म की, तो गोल्ड फिल्म पहले दिन एक अच्छी खासी ओपनिंग के साथ शुरुआत करेगी। दरअसल ट्रेलर एक्सपर्ट के अनुसार ये फिल्मों को 3000 से ज्यादा स्क्रीन पर रिलीज किया जाएगा, और ये फिल्म की एडवांस बुकिंग को देखा जाए तो एडवांस बुकिंग भी काफी तगड़ी है, और इसके हिसाब से देखा जाए तो अक्षय कुमार की ये फिल्म 20 करोड़ के आसपास ओपनिंग ले सकती है। हो सकता है कि ये फिल्म का कलेक्शन और भी बढ़ सकता है, लेकिन फिलहाल अभी ट्रेड एक्सपर्ट के अनुसार ये फिल्म पहले दिन 20 करोड़ के आसपास ओपनिंग ले सकती है, क्योंकि फिल्म की स्टोरी काफी अच्छी है और अक्षय कुमार की एक्टिंग काफी लाजवाब है। इसके कारण ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर अच्छा खासा कलेक्शन करेगी। फिर भी फ्रेंड्स, आपको क्या लगता है कि अक्षय कुमार की गोल्ड फिल्म पहले दिन कितना कलेक्शन करेगी, और आप कितने एक्साइटेड है ये फिल्मों को लेकर, वो हमें कमेंट करें। जॉन अब्राहम की सत्यमेव जयते फिल्म का धमाका हो गया शुरू। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं एफ स्टार न्यूज़। इस इंडिपेंडेंस डे पर बॉलीवुड की दो बड़ी फिल्में रिलीज होने वाली है। पहली अक्षय कुमार की गोल्ड और दूसरी है जॉन अब्राहम की सत्यमेव जयते। बता दूं कि गोल्ड फिल्म की एडवांस बुकिंग 10 अगस्त से ही शुरू हो चुकी थी, लेकिन आज से जॉन अब्राहम की फिल्म सत्यमेव जयते का भी धमाका शुरू हो गया है। जहाँ जॉन अब्राहम की ये फिल्म का एडवांस बुकिंग शुरू हो चुकी है, और कई सारी सिटी में दर्शक एडवांस बुकिंग को जोरों से बुक भी कर रहे हैं। बता दूं कि ये फिल्म में लीड रोल में जॉन अब्राहम, ईशा शर्मा और मनोज बाजपेयी होंगे, और ये फिल्म करप्शन पे बनाई गई है। बात करें ये फिल्म के ट्रेलर और गाने की, तो ट्रेलर तो हर किसी को पसंद आया ही होगा, और ये फिल्म के सारे गाने चार्ट बस्टर है, यानी कि ये फिल्म 15 अगस्त के दिन एक बड़ा धमाका कर सकती है। तो फ्रेंड्स, फिर से बता दूं कि ये फिल्म की एडवांस बुकिंग शुरू हो चुकी है। आपने करवाई ये फिल्म की एडवांस बुकिंग, और आप क्या कहेंगे ये फिल्म को लेकर, वह हमें कमेंट करें। ये न्यूज़ पसंद आए तो उसे लाइक करें। आगे की खबरें के लिए एफ स्टार न्यूज़ को जरूर सब्सक्राइब करें।